तो इस एग्जांपल में दो पॉइंट मासेज हैं और ये सर्कल में घूम रहे हैं और ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है और रेडियस R1 R2 में घूम रहे हैं, कौन प्रोवाइड कर रहा है M1 और M2 को सेंट्रिपिटल टेंशन? टेंशन क्या इसमें और इसमें टेंशन सेम है कि डिफरेंट है? पक्का डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ और यहाँ अलग मास है, फिर यहाँ और यहाँ मास में अलग है। वैसे प्रैक्टिकली आप घर पे जाके एक धागा बांध लें एक पत्थर के साथ और दूसरे पत्थर के साथ भी बांध लें और दोनों को घुमाएं, इसको घुमाना आपके लिए बहुत आसान है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है आपका, इसको घुमाना इतना आसान नहीं रहेगा। हो सकता है कि जब ये घूमे तो हो सकता है ऐसे घूमे, ये सेंटर है, पहला पत्थर तो सही घूमे, दूसरा थोड़ा सा बेंड होके घूमे, ग्रेविटी का असर है ना, तो थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, पर मैं ग्रेविटी का असर निग्लेक्ट कर रहा हूँ इसलिए मैंने सीधा लिया, है ना। प्रैक्टिकल अगर वो पत्थर भारी और हल्का हुआ तो कैसे घूम पाएगा, ठीक। पर चलो इन एनी केस मैंने इसमें टाइट लिया, सब कुछ ठीक किया, इसमें ग्रेविटी का इफेक्ट मैंने नहीं लिया। तो इसके अंदर टेंशन की वैल्यू कैसे बनेगी? इस पोर्शन में टेंशन मान लो T1 है और इस पोर्शन में टेंशन T2 है, ये लो T2 है, ऐसे बनेगा डायग्राम। और मान लेते हैं ये दोनों स्ट्रिंग्स, दोनों स्टोन्स घूम रहे हैं विद कांस्टेंट ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। और मैंने आज आते ही बता दिया था ऐसा हो सकता है, रिजिड बॉडीज याद है वो मासेस घूम रहे हैं विद सेम ओमेगा, तभी तो बताया था क्योंकि इसमें ओमेगा सेम लगेगा, तो दोनों के लिए ओमेगा सेम है, सही है। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम को अगर हम देखें इस M2 का, तो इसमें सिर्फ T2 आएगा और M1 के फ्री बॉडी डायग्राम में ये दो आएंगे, लेफ्ट और राइट। अब मुझे पता है कि ये M2 के पास एक्सेलरेशन है, M1 के पास भी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन नाम बोलो क्या है, नाम क्या है, सिंपल नहीं पूछा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहे हैं तो इनके पास कौन सी एक्सेलरेशन होनी चाहिए, सेंट्रिपिटल, जो कहाँ करेगी टुवर्ड्स, तो ऑब्वियसली सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन तो होगी। तो मान लो इस एक्सेलरेशन का नाम है यहाँ पर A2 और इसका नाम है A1, कोई बोला A1 A2 अलग अलग सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, वो क्यों, रेडियस डिफरेंट है, तो इसमें A2 का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, R ओमेगा स्क्वायर, तो यहां पे क्या लगेगा, R2 ओमेगा स्क्वायर, यहां पे क्या लगेगा, R1 ओमेगा स्क्वायर, सही है। तो A की वैल्यू दोनों के लिए डिफरेंट है, कोई डाउट इसमें, ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। अब बताओ अगर मैं M1 का फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो M1 के लेफ्ट की तरफ कौन सी फोर्स है T1 और राइट की तरफ कौन सी फोर्स है T2 और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर है A2, ऐसी है ना। तो न्यूटन के फोर्स के कॉन्सेप्ट याद करो, एक्सेलरेशन लेफ्ट है तो कौन सी फोर्स बड़ी, T1 की T2, T1, तो नेट फोर्स क्या है, T1 - T2 इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो T1 - T2 इज मास इनटू A2 की वैल्यू कितनी है, R2 ओमेगा का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये A1 आएगा, ओके यहाँ चेंज करो, ये A1 आएगा, तो T1 - T2 M1 * A1 की जगह R1 ओमेगा स्क्वायर, ये सही है, ठीक है ना। तो आपने M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, आपने देखा कि इस पे एक्सेलरेशन कहाँ एक्ट कर रही है, लेफ्ट, तो यानी कि T1 बड़ा है T2 छोटा है, तो बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इधर देखें M2 के फ्री बॉडी डायग्राम में M2 सिर्फ एक फोर्स है लेफ्ट की तरफ, कितनी, T2 और एक्सेलरेशन A2, तो फिर लगाओ इक्वेशन, T2 की वैल्यू इज M2 * A2, तो T2 इज M2 * A2 की जगह क्या पुट करें, R2 ओमेगा का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, T2 इज इक्वल टू M2 * R2 ओमेगा का स्क्वायर, ये लो। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ना टेंशन निकालनी आएंगी,
आप ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में आएगा, जैसे टेंशन T1 निकालो क्या होगी, तो अगर आप इन्हें ऐड कर दें, ऐड करके टेंशन T1 की वैल्यू आ जाएगी M1 इंटू R1 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस M2 इंटू R2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये T1 की वैल्यू आएगी। मैं ऐसे ऑप्शन आपको ऑब्जेक्टिव में दिखेंगे। तो इक्वेशंस कैसे बननी है समझ में आ रहा है, सोचना कैसे समझ में आ रहा है कि स्ट्रिंग में टेंशन लेनी है और कैसे टुवर्ड सेंटर लेनी है, एक्सेलेशन ये कोई लीनियर मोशन थोड़ी ना, ये सर्कल सर्कुलर मोशन है, इसमें एक्सेलेशन की डायरेक्शन हमेशा कहाँ मिलेगी, टुवर्ड्स सेंटर ही मिलेगी। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहाँ तक तो कि कैसे सोचना है इसमें, ठीक। और फाउंडेशन इस पूरे चैप्टर का सिर्फ फोर्स है, मैंने बोला था फोर्स स्ट्रांग होना चाहिए, फोर्स स्ट्रांग है तो देखो ये एकदम चीज़ें सही चलती हैं, फोर्स स्ट्रांग है फ्रिक्शन भी सही चलती है, फोर्स स्ट्रांग है तो सर्कुलर भी ठीक चलेगा। चलो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, स्ट्रिंग्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं दूसरे टाइप की प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, बनाओ डायग्राम इसका। सपोज इस बार ये स्ट्रिंग है, सर्कुलर मोशन है, ओमेगा है, M1 है, M2 है, M3 है, R1 है, R2 है और R3 है, R1 है, R2 है, R3 है, तीन रेडियस हैं, तीन मासेज हैं, पॉइंट मासेज हैं। ठीक, तो ऑब्वियसली ये सर्कल में घूम रहे हैं तो इसमें टेंशन प्रोवाइड करेगी सेंट्रिपिटल। अब यहाँ पे काम करते हैं, टेंशन ये टेंशन T1 T1 पुट करेंगे, यहाँ पे टेंशन T2 एंड T2 पुट करेंगे, यहाँ पे टेंशन T3 एंड T3 पुट करेंगे। तो ये लो T1 T1 T2 T2 T3 T3, ठीक है यहाँ तक। ठीक है, तो इसके अंदर अब फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन बना लें। ये सब किस में मूव कर रहे हैं, सर्कल में, सबकी एक्सलेशन कहाँ होगी, टुवर्ड सेंटर। तो फ्री बॉडी डायग्राम से ये इसका डायग्राम, इसके लेफ्ट और राइट ये डायग्राम, इसके लेफ्ट और राइट ये डायग्राम, इसकी एक्सलेशन टुवर्ड सेंटर, इसकी एक्सलेशन भी टुवर्ड सेंटर, इसकी एक्सलेशन भी टुवर्ड सेंटर, हाँ वैल्यू डिफरेंट होगी, A3 की वैल्यू होगी R3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, A ऑफ 2 की वैल्यू होगी R2 इंटू ओमेगा स्क्वायर और A1 की वैल्यू होगी R1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, सही है। ठीक, अब इसमें इक्वेशन बनाते हैं। M1 के एक्सेलरेशन लेफ्ट है, T1 बड़ा है, T2 छोटा है, तो M1 मास के लिए क्या बनेगा, T1 माइनस T2 इज मास M1
और एक्सेलरेशन कितनी है आर वन इंटू ओमेगा का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर वन क्लियर है। चेक करो एम वन के ऊपर एक्सेलरेशन कहाँ है टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि सेंटर कहाँ है लेफ्ट, तो टी वन बड़ा है और टी टू छोटा है, तो टी वन माइनस टी टू इज एम वन इंटू एक्सेलरेशन। फिर एम टू की, एम टू की एक्सेलरेशन भी कहाँ पर है लेफ्ट है, तो टी टू माइनस टी थ्री इज एम टू इंटू एक्सेलरेशन की जगह आर टू इंटू ओमेगा का स्क्वायर। नेक्स्ट एम थ्री में एक ही फोर्स है टी थ्री, टी थ्री इज इक्वल टू एम थ्री इंटू आर थ्री इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो इन तीनों को ऐड करके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसका आंसर दिया जा सकता है।